हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गेमिंग इंडस्ट्री से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि इंडिया के अंदर जो नौजवान लोग हैं, उन्हें आप सुबह से लेके चाहे शाम तक आप खाना ना दो, पानी ना दो, कुछ भी ना दो, बस उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो और गेम उसमें इंस्टॉल कर दो, वो सुबह से लेके शाम तक गेम खेलते रहेंगे। मतलब हमारे इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में इतने लोग हैं गेम खेलने वाले, छोटे से लेके बड़े तक के हाथ में आप मोबाइल पकड़ा दो, वो गेम को आपको छोड़ेगा नहीं। गेम को पबजी का आपने देख ही लिया होगा, एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं तो पबजी खेलने वाले आपको हर घर में मिल जाएंगे, ऐसी हालत है। तो गेमिंग सेक्टर जो है, गेमिंग इंडस्ट्री जो है, आगे एक अच्छा खासा कारोबार करती हुई दिखेगी और उसमें एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दूसरी बात कि हमारे कंट्री में बहुत ही कम कंपनी है जो इस तरीके का काम कर रही है, गेमिंग इंडस्ट्री में है। ऑफलाइन गेमिंग में तो डेल्टा कॉर्प के अलावा कोई है भी नहीं, जो एक प्लेयर जो है डेल्टा कॉर्प है, कैसीनो असीनो में और ये सारे काम जो करता है, और कोई है भी नहीं है। तो एक तरीके से देखेंगे तो यूनिक बिजनेस जो है कंपनी ये कर रही है, और बहुत ही सॉलिड इन्होंने जो है प्रेजेंस बना रखी है सिक्किम में, गोवा में। तो मैं आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे तो किस तरीके के ये जो गेम्स हैं इनके पास में मौजूद हैं। तो गेमिंग देखेंगे तो इनके पास में adda52.com ऑनलाइन गेम के लिए मौजूद है, adda52rummy.com, adda52.com, इस तरीके से कंपनी के पास में आप देखेंगे तो ऑनलाइन गेम्स का भी एक अच्छी खासी इनके पास में वेबसाइट मौजूद है। धीरे धीरे और भी वेबसाइट्स ये बनाते हुए दिखेंगे, जिस तरीके से एक गेम्स की तरफ लोगों का जो रुझान जो जा रहा है, युवा पीढ़ी का जो रुझान जा रहा है। डेल्टा कॉर्प ओन्स एंड ऑपरेट कैसीनो इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ गोवा एंड सिक्किम, offering approximately 1800 gaming position and is executed to start a casino soon in Daman। देख सकते हैं आप, दमन में भी अब ये स्टार्ट कर देंगे जो है गेमिंग का जो ऑप्शन है। तो देख सकते हैं गोवा, सिक्किम और दमन, इनके पास में तीन एक ऐसी स्टेट्स हो जाएंगी जहां पे कंपनी ये काम करती हुई दिखेगी आगे। In addition, we have also ventured into fast growing online gaming space through our acquisition of Ghost Network Private Limited, which operates the online poker sites adda52.com. Having entered this sunrise sector, we enjoy early movers advantage in the high potential gaming industry. Delta Corp Limited is the largest gaming company in India and the only listed company in this space. तो हमारी शेयर मार्केट के अंदर ये केवल एक ये ही कंपनी है जो लिस्टेड है गेमिंग स्पेस में। अभी एक कंपनी और आ गई है, नजारा टेक्नोलॉजी, ये काफी पुरानी है कंपनी जो है। डेल्टा ओन्स एंड सेपरेट 3 ऑफशोर लाइव कैसीनो इन गोवा एंड विल शॉर्टली कमेंस एन ऑनशोर कैसीनो इन दमन। तो देख सकते हैं कंपनी जिस तरीके का काम कर रही है, तो मैं आपके सामने रखूं कैसीनो में इनके पास में काफी गेम्स जो है मौजूद हैं, एक अच्छे खासे एक इन्होंने एरिया बना रखा है जहाँ पे इनके एक गेम्स मौजूद है, जिसमें आप देखेंगे तो डेल्टिन रॉयल एंड डेल्टिन जैक एंड डेल्टिन कैरेवेला एंड डेल्टिन स्वीट्स। तो इस तरीके से कंपनी के पास में एक अच्छे खासे जो है एक ऑपरेशन से कैसीनो जो है कंपनी के पास में मौजूद है, और जल्द ही डेल्टिन के नाम से दमन में भी आ जाएगा ये ऑपरेशन। तो देख सकते हैं कंपनी के पास में कैसीनो से रिलेटेड काफी गेम्स मौजूद हैं, एंड गेम्स में अगर आप देखेंगे तो इनके पास में काफी गेम्स मौजूद हैं, उसमें ब्लैक जैक, क्रैप्स एंड डाइस, पॉन्टून, बैकेरेट एंड इंफ्रा में देखेंगे तो इनके पास क्रूज भी मौजूद है, डेल्टिन रॉयल, डेल्टिन जैक। तो इस तरीके से कंपनी के पास में एक अच्छे खासे क्रूज भी मौजूद है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी काम कर रही है, हॉस्पिटली सेजमेंट में भी कंपनी जो है काम कर रही है। इनके पास में एक होटल्स भी मौजूद है गोवा में एंड दमन में। तो एक पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, गेमिंग सेक्टर का पोर्टफोलियो कंपनी के पास में मौजूद है, होटल्स है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर का भी कंपनी के पास में मौजूद है, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो। धीरे 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 इसमें एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिलेगा। कोविड की प्रॉब्लम्स को लेके एक थोड़ा डिस्टरबेंस हुई है, लेकिन धीरे धीरे फिर दोबारा से जब नॉर्मल सी जब हो जाएगी
तो ये कंपनी भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी, और ऑनलाइन गेम्स पे भी ये ज्यादा से ज्यादा आगे आने वाले टाइम में ये फोकस करती हुई दिखेगी कि ऑनलाइन गेम्स पे रुझान लोगों का ज्यादा है, तो ऑनलाइन गेम्स में और भी काफी ये गेम्स जो है एड ऑन करती हुई दिखेगी ये कंपनी धीरे धीरे। तो आप देखेंगे ऑनलाइन गेम्स और ऑफलाइन गेम्स में एक बहुत ही अच्छा खासा कारोबार करने वाली ये कंपनी है, और एक तरीके से देखेंगे तो पोर्टफोलियो बेस स्टॉक है ये, क्योंकि ऐसे यूनिक बिजनेस रखना इंडिया में, एक यूनिक बिजनेस ढूंढना एक तरी बहुत ही बड़ी मुश्किल काम है, एक यूनिक बिजनेस जिसका हो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकें इंडिया के अंदर ढूंढना बहुत ही बड़ा काम है, और बड़ी आसानी से ऐसे यूनिक बिजनेस मिलते नहीं है जिस तरीके का इस कंपनी का काम है, और एक आगे ग्रोइंग पेस का काम है, ऐसा नहीं है कि एक आने वाले टाइम में ये बंद हो जाएगा, ग्रोइंग फेज का काम है, और उससे क्या है कि इस कंपनी को एक अच्छा खासा आने वाले टाइम में फायदा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करना, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं कंपनी के चार्ट पे, तो शेयर का चार्ट आप देखें, ये शेयर का दमदार चार्ट है, और स्टार्टिंग का फेज तो बहुत काफी यहाँ पे इन्होंने कंसोलिडेशन किया इस शेयर ने, और कंसोलिडेशन करने के बाद में इसने एक अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस भी दिखाया है, और वहां से ये डाउन भी गया, एक फॉल भी काफी अच्छा खासा एक देखने को मिला है। लेकिन आप देख सकते हैं ये वाला जो रेंज, ये यहाँ से ये जो स्टार्ट हुई है फिर दोबारा से देख सकते हैं बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी बन रही है ऊपर की साइड, तो ये एक चार्ट की स्ट्रेंथ यहाँ से बहुत एक सॉलिड चार्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ से स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो ये इन्होंने जो है इस शेयर ने जो है हाई लगाया 400 रुपए के आसपास का, और फिर उसके बाद में ये लो लगा है 55 रुपीज का। अब देखेंगे 38.2% रेजिस्टेंस के आसपास इस शेयर का जो है एक प्राइस आ चुका है, उसके ऊपर ये धीरे 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 निकलने की कोशिश करेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो 270 के ऊपर निकले तब लें तो बढ़िया है, यहाँ पे एक थोड़ा बहुत हो सकता है कि कंसोलिडेशन और करता हुआ नजर आए, मतलब यहाँ से करीब करीब 70-80 रुपए और ऊपर, यहाँ पे अगर आप इसको पकड़ेंगे 270 रुपए के ऊपर, और यहाँ पे अगर ये परफॉर्मेंस अगर एक दो बार अगर कंसोलिडेशन यहाँ पे अगर ये कर देता है और आने वाले टाइम में करता हुआ दिखेगा, पॉसिबिलिटी है बहुत जल्दी ये यहाँ से ऊपर निकलता हुआ दिखेगा, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में ये शेयर बड़े ही आराम से आपको 450 रुपए से 500 रुपए तक के टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आएगा 1 से 1.5 साल के अंदर। बस परचेस आप यहाँ पे करें 270 रुपए के ऊपर, हालांकि ग्राफ तो बहुत ही सॉलिड बन रहा है, आप यहाँ भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे परचेस करना ठीक रहेगा, तो शॉर्ट से आप लॉन्ग टर्म उसको बना पाएंगे। तो 270 रुपए के ऊपर तो लेकिन इसमें बहुत एक हाईली बुलिश ट्रेंड इसका स्टार्ट हो जाएगा, और ये शेयर को करीब करीब 450 रुपए से 500 रुपए तक ले जाएगा, इसकी क्षमता है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो मैं आपके सामने शॉर्ट टर्म का एक बार ग्राफ इसका रख दूं, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये वीकली कैंडल्स हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये शेयर बिल्कुल अपने जो है अभी रिसेंटली जो हाई लगाया उसके आसपास तक ये पहुंचता हुआ नजर आया है 202-203 रुपए तक। तो यहाँ पे इस शेयर ने एक बेस बनाया है और यहां से फिर दोबारा से इसने एक ऊपर की चाल पकड़ी है, तो यहाँ इस वाले पॉइंट को हम बेस मान के चलेंगे, और ये इन्होंने अभी रिसेंटली हाई लगाया, तो यहाँ पे देखेंगे तो शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में ही रुका हुआ है, और इसको अगर देख के अगर चला जाए तो शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में आ चुका है प्रॉपरली वे में, और यहाँ पे अगर आप शेयर को परचेस करना चाहें तो बड़े आराम से यहाँ पे शेयर को परचेस कर सकते हैं 185 रुपए से 200 रुपए के बीच में, 185 से 200 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस लगा के जो चलना है वो लगा के चलना है आपको 172 रुपए का, 172 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको परचेस कर सकते हैं। और यहां से ही मेरे को जैसा लग रहा है कि ये शेयर धीरे धीरे जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन में सुधार आता हुआ दिखेगा, और इसमें एक परफॉर्मेंस बहुत जोरदार आने की संभावना है, और यहां से भी मुझे लगता है कि बड़े आराम से शॉर्ट टर्म में करीब करीब ये आपको 225 रुपए से 245 रुपए तक के टारगेट आपको दिखाता हुआ नजर आएगा, 225 रुपए से 245 रुपए तक के टारगेट आपको पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 2 महीने के अंदर ये दिखाता हुआ नजर आए, धीरे धीरे एक पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है, और आप फिर नीचे से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले वो अपने आप ही लॉन्ग टर्म के लिए आपका ये शेयर बन जाएगा। बहुत ही सॉलिड स्टॉक,
ये आने वाले टाइम में बनता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से कंपनी अब ऑनलाइन स्पेस में भी आ गई है, ऑनलाइन गेमिंग स्पेस में भी है, ऑफलाइन में तो ऑलरेडी है ही है, धीरे धीरे ये और कैसीनोज ओपन करते हुए दिखेंगे, और आने वाले टाइम में ये कंपनी एक अच्छा खासा अपना एक दबदबा बना के मुझे लगता है रखेगी। एक हाईली ऑप्टिमिस्टिक कंपनी है, ग्रोथ यहाँ से आने के चांसेस एक अच्छे खासे हैं बजाय डाउन जाने के। तो ग्रोइंग स्पेस है, ग्रोथ वाली कंपनी है, बढ़िया आप एक शेयर चूज कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो आप इस शेयर को आप ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आप इस शेयर को रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये शेयर कैसा लगता है आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और आप अपना लेकिन एनालिसिस एक बार जरूर करें, उसके बाद ही शेयर को परचेज करें। थैंक यू।